हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फार्मा विद पीडी। तो आज का इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे राइबोसोमल डैमेज के बारे में। तो फ्रेंड, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं और ऐसा ही वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि हर एक न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे सबसे पहले। तो चलिए इसमें देखते हैं पैथोजेनेसिस ऑफ राइबोसोम। तो सबसे पहले देखेंगे राइबोसोम होता क्या है। जैसे सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, साइटोप्लाज्म, उसी प्रकार से राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं और इस राइबोसोम का काम होता है प्रोटीन सिंथेसिस करना, सेल के अंदर प्रोटीन को सिंथेसिस करना। तो एटीपी एनर्जी प्रोड्यूस बाय ऑक्सीडेशन फॉस्फोरिलेशन प्रोसेस इन माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ऑक्सीडेशन फॉस्फोरिलेशन होता है जिसके वजह से एटीपी एनर्जी का प्रोडक्शन होता है और इस एटीपी एनर्जी सेल यूज करता है अपना प्रॉपर फंक्शन करने के लिए। तो अगर राइबोसोम डैमेज होगा तो क्या होगा कि पोली राइबोसोम, कहने का अर्थ पोली मतलब मेनी और राइबोसोम जो प्रोटीन सिंथेसिस करे, और ड्यू टू हाइपोक्सिया होने की वजह से पोली राइबोसोम मोनो राइबोसोम में ब्रेक हो जाते हैं। तो कहने का अर्थ प्रोटीन का सिंथेसिस कम हो जाता है। जैसे पोली मतलब ज़्यादा, जहाँ पे ज़्यादा प्रोटीन का सिंथेसिस होगा वो पोली राइबोसोम हो गया, और मोनो राइबोसोम कहने का अर्थ कम प्रोटीन का सिंथेसिस होगा जिसके वजह से सेल तक का जो फुलफिल रिक्वायरमेंट है वो मीट नहीं हो पाएगा और सेल डैमेज होगा, सेल डेथ होगा। अब हम देखते हैं इसका पैथोजेनेसिस। तो सबसे पहले इस्केमिया और हाइपोक्सिया के कंडीशन में, जैसे इस्केमिया कहने का अर्थ सेल के अंदर, ऑर्गेन के अंदर या टिश्यू के अंदर ब्लड का सप्लाई अगर कम होगा उस कंडीशन को इस्केमिया बोलते हैं, और हाइपोक्सिया कहने का अर्थ सेल, टिश्यू और ऑर्गेन में अगर ऑक्सीजन का सप्लाई कम हो रहा है उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, हाइपोक्सिया। और इस दोनों के वजह से सेल इंजरी होता है। अब देखते हैं जैसे हाइपोक्सिया या इस्केमिया का कंडीशन आएगा बॉडी के अंदर तो ऑक्सीडेशन फॉस्फोरिलेशन प्रोसेस में कमी आ जाएगा। कैसे, जब ऑक्सीजन और ब्लड का सप्लाई सेल में प्रॉपर तरीके से नहीं होगा तो ऑक्सीडेशन फॉस्फोरिलेशन प्रोसेस नहीं हो पाएगा, जिसके वजह से ऑक्सीडेशन फॉस्फोरिलेशन एक ऐसा प्रोसेस है, इस प्रोसेस से एटीपी एनर्जी प्रोडक्शन होता है। तो जैसे ऑक्सीडेशन फॉस्फोरिलेशन प्रोसेस प्रॉपर तरीके से नहीं होगा तो एटीपी एनर्जी में कमी आएगा, जिसके वजह से तीन प्रोसेस होगा, डिक्रीज सोडियम पंप, इंक्रीज एनएरोबिक ग्लाइकोलाइसिस एंड डिटैचमेंट ऑफ राइबोसोम। तो सबसे पहले देखेंगे सोडियम पंप को कमी होने के वजह से इनफ्लक्स ऑफ कैल्शियम एंड वाटर। इनफ्लक्स कहने का अर्थ अंदर जाना, सेल के अंदर जाना, तो कैल्शियम का लेवल बढ़ जाएगा और सेल के अंदर वाटर का लेवल बढ़ जाएगा, और जो सेल में पोटासियम का कंसंट्रेशन था वो बहुत तेज़ी से बाहर आ जाएंगे, सेल से बाहर आ जाएगा। उसके बाद में इंडोप्लाज्मिक स्वेलिंग होगा, स्वेलिंग होने के बाद सेलुलर स्वेलिंग होगा और सेल इंजरी हो जाएगा। ये फर्स्ट स्टेप हुआ। सेकेंड है इंक्रीज एनएरोबिक ग्लाइकोलाइसिस। समझिए, एक एरोबिक होता है, दूसरा एनारोबिक होता है। एरोबिक के मतलब प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड एनारोबिक के मतलब ऑब्सेंट ऑफ ऑक्सीजन। तो देखिए, जब ऑक्सीजन का सप्लाई कम होगा तो ग्लाइकोलाइसिस कहने का अर्थ एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ग्लूकोज मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन होता है ग्लाइकोजन में। तो ऑक्सीजन का सप्लाई जैसे ही कमी होगा तो ग्लाइकोजन बनना कम हो जाएगा और लैक्टिक एसिड सेल के अंदर ज़्यादा हो जाएगा और पीएच कम हो जाएगा, जिसके वजह से भी सेल इंजरी हो जाता है। और डिटैचमेंट ऑफ राइबोसोम, जैसे देखिए यहाँ पे बहुत सारे राइबोसोम हैं तो ज़्यादा प्रोटीन बनाएंगे, और जैसे डिटैचमेंट होगा ड्यू टू हाइपोक्सिया के कारण से तो ऐसे अलग अलग डिटैचमेंट हो जाएंगे, जिसकी वजह से प्रोटीन के सिंथेसिस में कमी आ जाएंगे। तो ये तीन मिलकर क्या करेंगे, राइबोसोम को डैमेज करेंगे। तो जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम देखेंगे न्यूक्लियर डैमेज के बारे में।